मध्य प्रदेश की जहां के भिंड जिले में लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि लोकायुक्त की टीम ने पटवारी मेवाराम शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पटवारी ने फरियादी अजय जयंत से प्लॉट के नामांतरण को लेकर 2,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बता दें कि भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र के गांव भुजपुरा इलाके के पटवारी को रिश्वत की दूसरी किस्त 50,000 रुपए लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। पटवारी नाना के प्लॉट के नामांतरण के काम को करने के लिए फरियादी युवक से कई दिनों से कार्यालय के चक्कर कटवा रहा था। फरियादी ने पूरे मामले की लोकायुक्त को शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सर, वो नाना का प्लॉट का थोड़ा झंझट चल रहा था, तो मैंने नाना का, तो सर ने बोला कि अभी नहीं, रुक जाओ, मैं करवा दूंगा। तो सर ने डिमांड रखी थी सर पैसे की, पहले 2,00,000 रुपए मांगे थे। इसमें आवेदक अजय जयंत हैं, जिन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी 17/10 को। उसके एवज में हम लोगों ने उसका सत्यापन कराया। जब सत्यापन सही पाया गया, उस पर ये इसमें जो पटवारी हैं मेवाराम शर्मा, जो पटवारी हल्का नंबर, ये जो अपना भोजपुरा है उसके वो पटवारी हैं, हल्का पटवारी हैं, उनके द्वारा इनसे 2,00,000 रुपए नामांतरण के लिए लिए जा रहे थे।